आदाब जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टाइम, मैं हूं फारूक सोनोमणि। इस वक्त में औरंगाबाद से करीब दौलताबाद के इस शानदार किले में उपस्थित हूं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसी के साथ साथ उस समय में सैकड़ों साल पहले जो युद्ध होते थे, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये चीज़ें हर तरह की तोप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर तरह की तोप यहाँ पर सजा कर रखी गई है यादगार के तौर पर। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। हम आपको धीरे धीरे इस किले के सभी हिस्से दिखाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टाइम। इस जगह पर चांद मीनार के बिल्कुल सामने छोटे छोटे 37 चबूतरे बनाए गए हैं, जिसपे छोटी बड़ी लोहे की, तांबे की, पीतल की, हर किस्म की यहाँ पर तोपें रखी गई है, जो सैकड़ों साल पहले युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाती थी। इस तरफ जो आप ये तीन तोपे देख रहे हैं, ये लोहे की तोपे हैं, जिसमें बारिश के कारण जंग लग चुका है। लेकिन इधर जो एक मुगल जमाने की और एक ब्रिटिश दौर की तोप दिखाई दे रही है, तो ये पंच धातु की होने के कारण आज भी बहुत अच्छी हालत में इसे जंग नहीं लगा है। इसके बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर एकदम शानदार तोप रखी हुई है, जो पंच धातु कुरान की एक आयत लिखी हुई है बाकायदा, जिसमें लिखा हुआ है नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये कुरान की आयत यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बादशाह गाजी आलमगीर, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो तोप है, इसको मेंढे की शक्ल दी गई है यहाँ पर, इसे मेंढा तोप भी कहा जाता है। अक्सर किताबों में इसका जिक्र मेंढा तोप के नाम से आया है। ये सबसे शानदार तोप है। मेंढा तोप के बाद ये दूसरी तोप है जो यहाँ पर रखी हुई है। काफी बड़ी तोप है और ये पंच धातु की बताई जाती है। इसके बाद में लेकर चलेंगे सीधे फाइनल पॉइंट पर। बाद हम औरंगाबाद किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ तौर से दूर दूर का नज़ारा जो अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये दौलताबाद शहर है और पीछे का दूर दूर का मंजर साफ साफ आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर एक किला पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे बड़ी तोप, लगभग लंबाई 20 फीट बताई जाती है, 15-20 फीट। और यहाँ पर ये तोप रखी हुई है। फाइनली पूरा के पूरा किला दिखाने के बाद हमारा सफर यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।